बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अलीसा शिराज एंड यू आर वाचिंग लिटरेरी बर्ड्स। सो गाइस, टुडेज़ टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर पेपर्स। वी विल बी डिस्कसिंग द एनिमल्स इन ह्यूज पोएट्री। सो एज़ यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्योंकि टेड ह्यूज जो हैं उन्होंने एनिमल इमेजरीज बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, उनको इसीलिए दूसरे राइटर्स से थोड़ा डिस्टिंक्ट समझा जाता है क्योंकि उन्होंने एनिमल्स के थ्रू मॉक किया है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, कंडेम किया है। समटाइम वो हमें लगते हैं कि नेचर के अगेंस्ट हैं, समटाइम हमें वो एडमायरर लगते हैं नेचर के। दोनों जो उनकी जो पोइट्री है ब्लेंड है हर चीज़ का, ठीक है। कुछ आपको मैं टेड ह्यूज की जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो उनका टाइम स्पैन है वो 1930 से है 1998 तक, ठीक है। और पहले ये यॉर्कशायर में पैदा हुए, फिर उसके बाद यानी एक जो था ना गांव का इलाका था, ठीक है, फार्म्स वगैरह थे, तो इनका जो ज़्यादातर ये इंक्लाइंड थे जानवरों की तरफ। ये जब जानवरों को देखते थे तो इनको बहुत ज़्यादा वो फैसिनेट करते थे, इनको एडमायर करते थे, तो इसीलिए इनका रुझान ज़्यादा उनकी तरफ हो गया। फिर जब ये 6 साल की उम्र में थे, 6 या 7 साल की उम्र में, तो ये मैक्सबोरो में जो कि साउथ यॉर्कशायर में है वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ इनके एक दोस्त बने जिनका नाम था जॉन हॉली, ठीक है। तो जी, जॉन हॉली जो उनके बेस्ट फ्रेंड वहाँ बने, उनके साथ उनका रिलेशन काफ़ी मज़बूत हो गया। फिर उनकी फैमिली से भी उनके जो थे यानी ताल्लुकात शुरू हो गए। तो वो उनकी फैमिली के साथ जाते होते थे फ़िशिंग करने, ठीक है। फ़िशिंग वो ऐसे जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है, इस तरह वो उस चीज़ को करते थे परफॉर्म। तो एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बताती चलूँ कि द टाइम्स एक न्यूज़पेपर था, उसने रैंक किए थे 50 ब्रिटिश राइटर, ठीक है। 50 ब्रिटिश राइटर में जो टेड ह्यूज थे उनको 4th नंबर पे कैटेगराइज किया गया था इन 1945 इन टाइम्स न्यूज़पेपर। ओके, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये भी पता है सबको कि ये सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड थे और सिल्विया प्लाथ ने खुदकुशी की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ह्यूज के, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। ये जो थे थोड़े आशिक मिजाज थे, तो इनकी काफ़ी लवर्स वगैरह भी थी, तो जो एसिया वेवल थी उनके साथ इनका ताल्लुक था, जिन्होंने सिल्विया प्लाथ की तरह ही खुदकुशी की थी अपनी 4 साल की बेटी के साथ, इसी तरह जिस तरह उन्होंने स्टोव ऑन कर दिया था और उसकी गैस की वजह से उनके सोते हुए ही मौत हुई थी। और कुछ क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं जो सिल्विया प्लाथ के हक में है कि जो सिल्विया प्लाथ के जो मिसकैरेज हुए थे वो क्योंकि उनको मारा गया था, मे बी टेड ह्यूज ने उनको मारा था जिसकी वजह से उनके मिसकैरेजेस हुए थे। तो एक लेंथी वीडियो बना दूंगी टेड ह्यूज के बारे में जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो एनिमल इमेजरी का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी है, तो इसको भी हम लोगों को कवर करना है। तो मूव टू आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ एनिमल्स इमेजरी इन टेड ह्यूज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल इन टेड ह्यूज। यू कैन मॉडिफाई योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन विच विल बी गिवन इन यू विच विल गिवन टू यू इन एग्जाम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी फॉर सिम्बॉलिक पर्पज इन द पोइट्री ऑफ टेड ह्यूज एंड द सेकेंड वन डिस्कस द रोल ऑफ एनिमल्स इन ह्यूज पोइट्री। आपको क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके एग्जामिनर देता है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि उसका जो यानी वो जो पूछना चाह रहा है उसका मकसद क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल ग्रेजुअली कवर द 5-year-old पेपर एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू हैव टू cover that question in your exam. Okay, so there is no doubt to say that no English poet has observed animal more accurately than Ted Hughes has done. टेड ह्यूज़, कोई भी इसमें कोई शक नहीं है कि टेड ह्यूज़ ने जितनी खूबसूरती से इंग्लिश पोइट्री में अपना नुमाया नाम रखा है वो किसी ने रखा हो। उन्होंने एनिमल्स के थ्रू बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी पोइट्री को बनाया है जो कि शायद किसी और दूसरे ने किया हुआ हो। जो D.H. लॉरेंस हैं उनके साथ उनकी भी याद ताज़ा होती है ह्यूज़ की पोइट्री पढ़ने पर, क्योंकि वो भी एक एनिमल लवर थे, ठीक है। ये आगे हम ज़्यादा इसको क्लियरली देखेंगे। His description of the animal imagery is remarkably vivid, startling, and yet truthful. Yes, it also covers a wide range: the hog, the thrush, the pike, the jaguar, the skylark, the horse, the cat, the mouse, the bull, the pig, the otter, the bullfrog, and several other figures are found in his poems.
हम लोगों को टेड ह्यूज की पोइट्री में ऐसे लगता है जैसे पूरा जो है ना चिड़ियाघर जो है वो बसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एज अ जू वर्कर भी काम किया, यानी उन्होंने जू में भी जॉब की हुई है। मैं कहीं पढ़ रही थी तो मुझे ये बड़ा यानी ये चीज़ जो थी ये इसने मुझे हैरान कर दिया कि उन्होंने एज अ वॉचमैन भी काम किया। उन्होंने काफ़ी तरीक़ों से यानी जब वो एक कामयाब पोइट नहीं थे तो उन्होंने काफ़ी छोटे मोटे काम भी किए हैं जिसमें उन्होंने चिड़ियाघर में भी काम किया हुआ है, तो यानी ज़ू में भी काम किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको शायद ज़्यादा मौका मिला जानवरों को बहुत करीब से देखने पर। फिर उन्होंने जानवरों की जो यानी थी ना जो जो ज़रा सख्त जान जानवर थे जो कि यानी जो रहम नहीं करते दूसरों पे वार करने में, फिर उन्होंने उनके साथ उन लोगों को असिमिलेट किया, उन लोगों को कैरेक्टराइज्ड किया जो कि लोग असल ज़िंदगी में यानी बहुत ज़्यादा ब्रूटल किस्म के हैं। और फिर उन्होंने जो सॉफ्ट एनिमल्स हैं यानी वो जिनके दिल नरम हैं या जो बड़े मासूम इनोसेंट हैं जो यानी सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते घास फूस पर गुजारा करते हैं, तो उन्होंने उनके साथ उन लोगों को असिमिलेट किया जो कि नरम मिजाज लोग हैं जो अपनी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा जी, और इन्होंने एक वाइड रेंज एनिमल्स के जिसको कवर किया जो मैंने भी आप लोगों के सामने नाम लिए, और आगे देखते हैं। इंडीड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इन ह्यूज फेवरेट टेरिटरी बट इट इज़ नॉट जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स विच मेक्स ह्यूज पोएट्री यूनिक, व्हाट मेक्स इट रियली यूनिक इज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस विच ही डिस्कवर्स इन द एनिमल्स दैट ही ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्स। अब यहाँ वो कहते हैं कि सिर्फ ह्यूज की जो पोइट्री है उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन को ही नहीं ज़्यादा खूबसूरती से निभाया गया बल्कि उसने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ सिंबॉलिक वे में हम लोगों को यानी सिंबलिज्म भी उसने दिखाया है, सिंबलाइज करते हुए उसने हमारे सामने एक डीप मीनिंग जो है वो रखे हैं। उसने ह्यूमैनिटी को, उसने नेचर को कुछ जानवरों के ज़रिए एडमायर भी किया है और कुछ जानवरों के ज़रिए उसने एंग्विश फील भी किया है, उसने यानी उसके ऊपर कंडेम भी किया है, उसने साइज भी किया है और उसने उस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। डिस्क्रिप्शन तो वो देता है जिस तरह थॉट फॉक्स में हम लोग देखते हैं कितना वेल डिफाइंड और वेल नेट उसने एक खूबसूरत तरीके से उसको निभाया है, और उसने बताया यहाँ तक कि फॉक्स की जो स्टिंक्ट है उसने उसका भी जिक्र किया है कि कितनी यानी कितना खूबसूरती से उसने ऐसे जैसे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि वाकई शायद जो हम हैं वो भी उसने असल में तो फॉक्स को नहीं देखा, ये सारा जो चीज़ है ये बिल्कुल ये तो इमेजिनेशन है ना, उसने अपनी इमेजिनेशन में ये कुछ क्रिएट किया है, लेकिन कितनी खूबसूरती से उसने हमें जो हम लोगों को पता है कि जो वोल्व्स वगैरह होती हैं जो फॉक्स होती हैं वो एक बड़ा शातिराना किस्म की वो यानी उनको उन लोगों के साथ जोड़ा जाता है जो बहुत शातिर दिमाग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा तेज़ लोग होते हैं। ठीक है, तो उसने दोनों तरफ से अपना दिखाया। मैं जब इसको स्टडी कर रही थी तो मुझे बड़ा यानी कुछ अलहदा से समझ आ रहा था उसकी डिस्क्रिप्शन के अलावा जब मैंने गौर किया, तो उसने कहा कि हमारा दिमाग जो है ना खाली पेपर कितना होता है, ये मेरी अपनी राय है, हम लोग क्योंकि अपनी अब जो एज जा रही है हम लोग उसके अंदर अपनी राय दे सकते हैं और वी आर टोटली फ्री, हम लोग यानी बाउंड नहीं है, हम लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरे लिहाज से उसने कहा कि हमारा जो दिमाग हमारा जो उसका पेपर जो देखें खाली था, फिर जब उसने वो सारी जब एक वुल्फ की जब एक फॉक्स की एंट्री होती है तो उसके एंड पे उसका पेपर प्रिंट हो जाता है, वो कहता है मेरा दिमाग जो था वो खाली एक एम्प्टी होल की तरह था। ठीक है, जब एक इंसान आता है हम मासूमियत में होते हैं हमें पता नहीं होता किसी चीज़ का, फिर एक ऐसे इंसान की या एक ऐसे यानी क्रिएशन की एंट्री होती है हमारी लाइफ में कि वो हमें चलाक बना देता है, वो हमें यानी कुछ इस तरह की जो है रियलिटीज हमारे सामने शो करता है कि हम लोग भी जो है उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और फिर हमारा दिमाग जो होता है वो उन सब खुराफात से भर जाता है और एंड पे जो पेपर है वो प्रिंट हो जाता है। आप इसको यानी वो मैंने एक पढ़ा था बड़ा खूबसूरत शेमस सीनी का, मैं कुछ पढ़ रही थी उसके अंदर था कि जो पोइट्री है ना वो तब तक यूज़लेस है जब तक कि वो आपकी अपनी आपकी अपनी फीलिंग्स के साथ कोरिलेट नहीं करती। तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव करता है डिफरेंट थ्योरीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ को, क्योंकि जैसा आप सोच रहे होते हो ना जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में आप लाइफ गुजार रहे होते हो आपको आप उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ को समझते हो और सीखते हो जबकि दूसरा इंसान अपने अकॉर्डिंगली उसको समझ रहा होता है। तो ये जो है ना बहुत आप कहो कि एक क्वेश्चन को सारे बच्चे एक ही तरह अडॉप्ट करें तो वो मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल थीम तो एक ही रहेगी जो आप लोग पढ़ रहे हो या जो आपको शायद बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको किस तरह परसीव करोगे इट्स टोटली एन ऑपोजिट मेथड। तो आप उसको यानी हर इंसान जो है अपने तरीके से उसको एलाबोरेट करता है।
कम टू द पॉइंट, हम जो डिस्कस कर रहे थे कहाँ गया, विच ही डिस्कवर्स इन एनिमल, हाँ ये नहीं जो वो डिस्कवर करता है अपनी जितनी भी जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी चीज़ें जो उसने एनिमल से रिलेटेड जो हैं ऑब्जर्व की हैं उनके ऊपर वो डिस्कोर्स करता है और बहुत ही खूबसूरती से उसको डिस्क्राइब करता है. Hugh's treatment of the animal is different. It is highly poetic, symbolic and significant. It is also expressive, highly illuminating and modern both in content and in style. And its style. तो वो जो यानी जो है इट्स हाईली सिम्बॉलिक है, सिग्निफिकेंट है, बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया है. उसके ऊपर बहस जो की गई है वो भी एक लेंथी मैनर में की गई है. उसका जो मेथड है, उसका जो वे ऑफ राइटिंग है, आपको मॉडर्न भी लगता है और उसके अंदर कंटेंट वाइज अगर आप उसको देखो तो उसने यानी एनिमल्स के थ्रू आपको मैसेज कन्वे किया है. इट्स डिफरेंट कंटेंट. और उसका जो स्टाइल है वो भी बहुत खूबसूरत है. कई दफ़ा आपको राइम स्कीम मिलती है, कई दफ़ा आपको राइम स्कीम नहीं मिलती. जब नहीं भी मिलती तब भी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको आप म्यूज़िकली परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, आगे हम देखते हैं. आपने इसको कुछ यानी देख लेना है कि किस किस तरह जो है आपको अपनी जो पोइम्स हैं कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ वर्ड बना लें ए बी सी डी या बी बी सी डी इस तरह करके कि एक के बाद आपने दूसरी पोइम को जो है उसका, क्योंकि एनिमल इमेजरी का जब क्वेश्चन आएगा आपने डिफरेंट एनिमल्स को पॉइंट आउट कर करके बताना है कि किस किस तरह उसने. अब हमारे सिलेबस में तो है ना, देखें द थॉट फॉक्स है, दैट मॉर्निंग है और फ़ायदा वाली पोइम है और चौसर है, तो उसको आप एनिमल इमेजरी में कितनी, सिर्फ दो ही यूज़ करोगे. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से सात, छः से सात या सात से आठ मेरे ख्याल से उसने जो है ना पॉइंट आउट की हैं पॉइंट्स, जिस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एलैबोरेट की गई हैं. तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी. इसको आप अगर सिर्फ एक दफ़ा सुन लोगे ना, सिर्फ सुनने से ही आपको आइडियाज़ काफ़ी मिल जाएंगे जिसको आप अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हो. क्योंकि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमें भूलती नहीं है. जब आप इसको दो दफ़ा सुनोगे तो फिर तो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी आपके जहन में. तो स्टार्ट करते हैं जी. ठीक है, हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल कंटेन्स न्यूमरस मेटाफोर्स एंड दीज मेटाफोर रिलेट टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स. उसने कुछ मेटाफोर्स भी यूज़ किए हैं. ठीक है, कुछ जो मेटाफोर्स उसने यूज़ किए हैं, आपको पता है मेटाफोर एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड द रियलिटी, और बियॉन्ड द रियलिटी नहीं, कुछ इस तरह की यानी आप दो चीज़ों को जब सिमुलेट करते हो जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, उन दोनों चीज़ों को आप मिला देते हो. ठीक है, तो बियॉन्ड द रियलिटी गलत हो जाएगा वैसे, क्योंकि रियलिटी कई दफ़ा तो वो बिल्कुल बियॉन्ड द रियलिटी भी हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा दोनों चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनका आपस में कोई मेलजोल बनता नहीं है, जो कि जो पॉइंट है वो मिलाकर उनको यानी बोल्ड वे में आपके सामने पेश करता है. ठीक है, तो ह्यूज एनिमल पोइट्री नेचुरली रिमाइंड्स डी एच लॉरेंस हु टू वॉज अ ग्रेट एनिमल लवर. हाउएवर ह्यूज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम लॉरेंस. अब जो लॉरेंस थे उन्होंने वो भी एक एनिमल लवर थे, उनकी भी पोइट्री में एनिमल इमेजरीज झलकती हैं, लेकिन उनकी लेकिन जो टेड ह्यूज हैं उनकी कुछ ज़्यादा नुमाया हैं. ठीक है, कुछ ज़्यादा खूबसूरती से उन्होंने एलैबोरेट किया है. आगे देखते हैं, द पोएम विच रियली एस्टैब्लिश्ड ह्यूज रेपिटेशन एज अ पोएट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज हॉक क्रॉस्टिंग. जो एक पोएम हॉक क्रॉस्टिंग जिसने उनको बहुत पजीराई बख्शी, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फेमस करवाया, वो थी हॉक क्रॉस्टिंग. इट डिपिक्ट्स अ हॉक्स आई व्यू ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, हॉक क्या होता है ये, यानी ईगल की तरह का होता है, शार्प आई वाला जो है ये बर्ड है. ठीक है, It depicts a hawk's eye view of the world. The hawk believes that tree, air, sun and earth are only of his convenience. This egoistic hawk says, यानी अब मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ. उसने जो ये हॉक का दिया ना इंट्रोडक्शन, ये बड़ा कुछ होते हैं ना, बड़े ईगोइस्टिक लोग होते हैं जो सिर्फ समझते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ और बाकी तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, उसने देखें ये तीन लाइनें जब मैंने पढ़ी तो मैं भी बहुत ज़्यादा एडमायर हुई उससे, टेड ह्यूज से. कितनी खूबसूरती से उसने उन लोगों को यहाँ बयान किया है जो सिर्फ समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो दुनिया में और कोई भी नहीं है, सब कुछ मेरे पांव तले है. इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माय फुट माय ईच फेदर नाउ आई होल्ड क्रिएशन एंड माय फुट. वो कहते हैं कि पूरी जो कायनात है ना वो मेरे ही सिर्फ पर और पांव बनाने में लग गई है और अब पूरी दुनिया मेरे पांव के नीचे है. तो हाउ एवर एट द डीपर लेवल द हॉक बिकम्स द माउथ पीस ऑफ नेचर इट सेल्फ. अनलाइक टेनिसन नाइदर ह्यूज फील्स एंग्विश विद नेचर नो डज ही होली एडमायर इट्स लाइक डी एच लॉरेंस.
अब हम देखते हैं वो कह रहा है कि जो टेनिसन है ना उसने टोटली यानी उसको बिल्कुल नाराज़ नहीं था उसने थोड़ा बहुत जो था ना ही वो हमें जो टेनिसन की तरह ह्यूज जो है वो नज़र आता है नेचर से नाराज़ ना ही वो हमें एडमायर नज़र आता है यानी कि बिल्कुल उसने एडमायर किया हो नेचर को एज डी एच लॉरेंस। वो जो ह्यूज की जो पोइट्री है ब्लेंड है दोनों चीज़ों का, कभी वो हमें नेचर से नाराज़ नज़र आता है और कभी वो हमें नेचर के हक में नज़र आता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन फैक्ट इन ऑल द पोइम्स ह्यूज ट्राइज टू फ्यूज बोथ हिज एडमिरेशन एंड हिज हॉरर ऑफ नेचर इनटू अ सिंगल रिस्पांस व्हिच माइट बी डिस्क्राइब्ड एज एम्बिवेलेंस। अब यानी हम देखते हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं ना उसने उनको यानी फ्यूज़ किया, उसने ब्लेंड किया है दोनों चीज़ों को, कभी वो एडमायर करता है नेचर को, कभी वो कंडम करता है, कभी वो क्रिटिसाइज करता है, दोनों चीज़ को चीज़ों का जो ब्लेंड है वो डिस्क्राइब करता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो कि हम लोगों को कई दफ़ा तो यानी हमें परेशान कर देती है और कई दफ़ा हम लोग उससे फैसिनेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ एनिमल इमेजरीज यूज़ की हैं जो कि अब कितनी उसने यानी ये जो मैंने अभी तीन लाइनें पढ़ी है जो कोटेशंस थी फ्रॉम हॉक क्रॉस्टिंग के, उसने बताया कि जो पूरी उसने नेचर को इस तरह बताया कि जैसे पूरी जो है जिस तरह वर्ड्स कहते थे कि नेचर ही आपको बनाती है नेचर ही आपको बिगाड़ती है, तो उसने बताया कि नेचर ही सिर्फ डोमिनेंट है फिर हमारा क्या है। तो इस ये जो इस तरह के एलिमेंट हैं हम लोगों को देखने में मिलते हैं, कई दफ़ा वो एडमायर भी करता है। अच्छा जी, पहली हम लोगों ने देखी हॉक रोस्टिंग, दूसरी है जी ऑटर। ऑटर जो होता है ना वो एक स्नेल टाइप एनिमल यानी स्नेल की तरह का, स्नेल सॉरी कह रही हूँ, सीगल जो होती है ना सेल्स उनकी तरह का लगता है। तो ये आप जब एक एक दफ़ा जो भी है ना इन एनिमल्स को आप गूगल पे जाके इनकी एक दफ़ा पिक्चर्स देख लोगे तो आपको जहन में इनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी समझ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि जो ज़रा देखने में खूनख्वार जानवर लगते हैं और थोड़े जो यानी सख्त एनिमल लगते हैं उनके साथ उसने सख्ती को मिलेट किया है। द आउटर इज डिपिक्टेड एज ऑलमोस्ट द ऑपोजिट ऑफ द हॉक। अब उसने कहा है कि ये ऑपोजिट है हॉक का, ठीक है। हाउ एवर द ऑटर लाइक द हॉक इज अ प्रीडेटर एंड ऑटर कैन पुट एन एब्रप्ट एंड ऑफ द सॉरी एब्रप्ट एंड ऑफ द लाइफ टू अ ट्रॉट। ट्रॉट होती है एक फिश। उसने कहा बेशक ये हॉक से थोड़ा सा यानी डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन इसका काम देखें कि ये अपनी जब इसने खुराक खानी होती है, जब इसने मछली, ट्रॉट एक फिश होती है, तो जब इसने इसको भूख लगती है तो ये अपनी भूख की खातिर एक मछली को बिल्कुल एब्रप्ट कहते हैं, एब्रप्ट करते हैं सडनली, वो बिल्कुल यानी एक मछली को मौत के घाट उतार देता है सिर्फ अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सिम्बॉलिकली स्पीकिंग द ऑथर क्राइंग विदाउट आंसर फॉर हिज लॉस्ट पैराडाइज इज श्योरली टू सम एक्सटेंट एन इमेज ऑफ द ड्यूलिज्म इन मैन। अब वो ऑर्डर के थ्रू हमें मैसेज क्या दे रहा है, उसने ऑर्डर के थ्रू एक उसने हॉक रोस्टिंग में इंसान का दिखाया, इंसान का ऐसा इमेज दिखाया कि वो जो है ना बिल्कुल यानी ईगोइस्टिक इंसान है, मटेरियलिस्टिक है, उसको अपने अलावा दूसरे नज़र नहीं आते, ठीक है। फिर उसने द ऑर्डर में हम लोगों को एक ऐसा इंसान दिखाया, पोर्ट्री करने की कोशिश की, जो अच्छा भी है जो बुरा भी है, जो बाज़ औक़ात तो इंसानियत के बारे में सोचता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल नहीं सोचता, वो मासूम तो है लेकिन अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो किस तरह एक मछली को मौत के घाट उतार देता है। तो वो कहते हैं ड्यूलिज्म यानी दोहरा इंसान है। द ऑटर लाइक मैन इज नाइदर होली बॉडी नॉर होली स्पिरिट नाइदर होली बीस्ट नॉर होली एंजल एंड लाइक मैन इट टू इज योरिंग फॉर इट्स एडन होम वेयर दैट डोंट एग्जिट। अब यहाँ वो कहता है कि जो ब्लेंड ऑफ बोथ है, कभी अच्छा भी है कभी बुरा भी है, कभी और उसके अंदर एक तड़प पाई जाती है जन्नत को, पैराडाइज को गेन करने की, जहाँ मौत कभी नहीं आएगी, ठीक है। अगला जी, इन द पोइम द बुल मोसेस। मोसेस जो है इसमें बुल का नाम है। इस पोइम में पहला हो गया हॉक रोस्टिंग, दूसरा हो गया ऑटो और तीसरा है द बुल मोसेस। आप इनके सिर्फ नाम भी याद कर लो ना और साथ साथ अपने हिसाब से इसको यानी इनकी जितनी भी चीज़ इनकी जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको एग्जैजरेट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखो तो आपका जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो सकता है। इन द पोएम द बुल मोसेस द स्पीकर कीनली परसीव्स द प्रेजेंस ऑफ द बुल एंड सो ही सेज दैट इट्स ब्रो लाइक्स लुक्स लाइक मेसोनरी। अब ब्रो क्या होती है, आईब्रोज जो होती हैं, ठीक है। उसने उसको कहा जो उसकी आईब्रोज है ना वो ऐसे लगती हैं जैसे सख्त जान है कोई मेमार आना जेनी जो होते हैं, मेसोनरी कहते हैं ना मेमार जो काम करते हैं,
यानी जो घर वगैरह बनाते हैं, एंड द डीप टिम्बर कील नेक। अब ये जो है ना, ये देखें उसने मेटाफोर यूज़ किए हैं यहाँ, एक ऐसी उसकी गर्दन ऐसी है जैसे लकड़ी की तरह हो। टू पॉइंट द बुल सीम्स टू बिलोंग टू अनदर वर्ल्ड, इट सीम्स टू स्टैंड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। अब वो यहाँ कह रहा है कि दो तरह की जो है ना, यानी ये जो उस ऐसे लग रहा है दो चीज़ों को मिला रहा है, जैसे कोई ऐसी वर्ल्ड जो हम जिसमें हम लोग रहते हैं और एक ऐसी जो हमने कभी देखी ही नहीं है, कुछ इस तरह की। यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट वो यहाँ दे रहा है कि कुछ डिफरेंस आए, यानी जो आपने कभी देखी ना, उन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक क्रिएशन जो है उसको उसने बनाने की कोशिश की है। द पॉइंट थिंग्स दैट देयर वाज अ टाइम एंड बुल्स वर अनकंट्रोल्ड बाय एनी पावर, बट नाउ द फार्मर लीड्स द बुल टू द पॉन्ड टू ड्रिंक एंड द वर्क It has to submit to a life of servitude. अब पोइट कह रहा है एक टाइम तो था जब जो बुल थे ना उनको यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब देखें जो फार्मर है उसको यूज़ कर रहा है, यानी जो है बैलों को हल जोतने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, उसको खादिमों के तौर पे वो कह रहा है उसको यूज़ किया जा रहा है। द पोइट बिलीव्स दैट ऑफ द कोर्स विद इन द बुल स्लीप्स द पावर विच नथिंग कुड होल्ड इन चेक इन केस द बुल रिवॉल्व्स, बट इट डज नॉट रिवॉल्व्स बिकॉज इट हैज़ नो अवेयरनेस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट और स्लेवरी। अब यहाँ देखें वो कह रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत करना, अगेंस्ट जाना किसी चीज़ के, ठीक है, और यानी आपको पता है रेवोल्यूशन जब बगावत की जाती है तो वो ये बगावत की बात हो रही है यहाँ, कि बुल जो है एक टाइम ऐसा था जब उसको कंट्रोल ही नहीं किया जाता था, और यहाँ वो पता है क्या बात करना चाह रहा है, यहाँ उन लोगों की बात करना चाह रहा है जो कि हिम्मत भी रखते हैं, जो कि जिनके अंदर ताकत है भी, लेकिन उनको भी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी ताकत से कितनी तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि उनको यानी बिल्कुल उनको वो तहम्मुल में हैं और वो गुलामी कर रहे हैं जो बुल हैं, क्योंकि उनको हालांकि वो पावर रखते हैं लेकिन क्योंकि उनको उनकी पावर का भी अंदाज़ा नहीं है, उनको धोखे में रखा गया है। What redeems its servitude is that it worms. Worms यहाँ बात हो रही है, यानी worm कहते हैं जो माँ की बच्चेदानी जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो पलते हैं, दैट इट worms. It feels the worms of many cows that its offspring progeny. अब वो यहाँ बात कर रहा है कि जो यानी जहाँ से ज़्यादा जहाँ से प्रोडक्शन होती है, ठीक है, मोसेस द बुल इन द पोएम इज ओनली टू लिंक इन द अनब्रोकन कंटिन्यूटी फ्रॉम इट्स वाइल्ड एनकेस्टर्स टू इट्स वाइल्ड डिसेंडेंट्स। अब वो कह रहा है कि जो हालात है ना वो बदल चुके हैं, उसके जो वाइल्ड एनकेस्टर्स से यानी जो उनके बाप दादा थे, जो उनके पहले लोग थे, टू इट्स वाइल्ड डिसेंडेंट्स, उनका जो था आने वाली नस्लों तक का सफ़र, बिकॉज अ टाइम वुड कम व्हेन मैन वुड कीज टू रूल, यानी जब इंसान जो है वो मना कर देगा, वो तर्क कर देगा अपने रूल करने का, जो यानी वो दूसरों के ऊपर जो रूल करता है उस चीज़ को जब तर्क कर देगा, मूसेस प्रोजेनिटर पैट्रियार्च एंड लाइक द बाइबलिकल मोसेस इट बिहोल्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड व्हिच इट विल बी नेवर इटसेल्फ एंटर एंड Yes, its descendants will escape from servitude and inherit the earth. अब यहाँ जो है ना बाइबलिकल मोसेस, अब यहाँ वो यानी थोड़ा सा बाइबलिकल वे दे व्यू दे रहा है आपको, और बात कर रहा है कि जिस तरह जो हमारे जो बाप दादा होते हैं, ठीक है, वो जो हम लोगों के लिए बीज बो के जाते हैं ना, यानी जिस तरह वो हम लोगों के लिए तैयार करके जाते हैं काम, उसी तरह जो आने वाली नस्लें हैं उसको अडॉप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करने चल पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो इसके जो आने वाली जो औलादें हैं, इट्स डिसेंडेंट्स जो हैं, विल इसके भाग जाएंगी फ्रॉम दी सर्विट्यूड एंड इनहेरिट द वर्ल्ड, यानी जो कि उनको मिली है ना इनहेरिटेडली, जो उनको मिला है सर्विट्यूड, उससे वो भागेंगी, क्योंकि जब उनको अकल आ जाएगी उस चीज़ की तो फिर वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगी जो कि उनके पहले एनकेस्टर्स ने रिवॉल्ट नहीं किया। Only Hughes could have written such a poem about a bull. The human figures in the poem, the speaker and the farmer certainly enhance the poem's interest. अब वो कह रहा है कि इससे पहले कभी भी इतनी खूबसूरती से बुल के ऊपर किसी ने नहीं लिखा जो कि ह्यूज ने लिखा है, और किसी ने नहीं सोचा कि इसको इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। At the same time, the gulf between man and animal presents the gulf between civilized man and the man's animal itself. अब वो कह रहा है कि दो चीज़ों का जो है ना हमें इससे रुख नज़र आता है, एक एक अच्छा इंसान और एक जो है जिसके अंदर यानी जो कि एक जानवर सी हैसियत रखता है अपने अंदर, और जो जानवराना जुल्म करता है लोगों से, ब्रूटल है, क्रूएल है,
वो उस तरह का इंसान, उसने दोनों का फ्यूज़ पेश किया, उसने दोनों का ब्लंट पेश किया, ठीक है। अब फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द पाइक। हम लोगों ने देखा हॉक रोस्टिंग, देन द ऑटर, देन द बुल मॉसेस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पाइक। अनदर वेरी सिग्निफिकेंट पॉइम विच डिज़र्व्स कंसिडरेशन इज पाइक। इट इज़ काइंड ऑफ फिश। पाइक क्या है? पाइक है एक फिश, ठीक है। अब वो आपको डिस्क्रिप्शन देगा और डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको बताएगा कि किस तरह के लोगों को वो यहाँ सिम्बलाइज कर रहा है। द फर्स्ट फोर स्टैंजाज ऑफ द पॉइंट कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाइक। पहले जो चार स्टैंजा है उसमें हमें वो डिस्क्रिप्शन देता है, जिस तरह वो दैट मॉर्निंग में हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देता है सैल्मन्स का कि वो कितनी खूबसूरत हैं, गोल्डन और सिल्वर जो है उसका जिक्र करता है और बताता है ऐसे जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रही हों, ठीक है। और उसके अंदर वो बताता है कि एक ऐसे यानी कुछ अलहदा से ही जो है नक्शा खींच रही हैं वो दुनिया का और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, यानी पहले चार स्टैंजाज में वो पाइक का डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है कि वो किस तरह की नज़र आती हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन इज़ रिमार्केबली ओरिजिनल एंड ग्राफिक, यानी बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, हम पाइक को देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। द पाइक इज़ अ किलर फ्रॉम द वेरी एग। इट्स मीन्स दैट जो पाइक है वो यानी वो एक बॉर्न ही ब्रूटल किस्म की यानी क्रिएशन है, ठीक है। यानी जो पैदा ही जहरीले होते हैं लोग, जिनको असर ही नहीं होता दुनिया से। द पाइक हैज़ अ मैलोवन ग्रिन। मैलेबुलेंट का मतलब होता है, ग्रिन का मतलब होता है एक हंसी, यानी मकाराना हंसी जिसे कहते हैं ना, जो जिसमें चलाकी वाली हंसी। एंड इट डांसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर अमंग फ्लाइज। अब जो है वो सर्फेस के ऊपर जो यानी जो सी का सर्फेस है उसके ऊपर आके डांस करती है। द पाइक फील्स टांस बाय इट्स ओन ग्रैंडियर, यानी वो अपनी ही शानो शौकत और अपनी अजमत को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, उसके ऊपर ही यानी रश करती है। द पाइक्स आर कैपेबल ऑफ ईटिंग वन अनदर इन देयर हंग्री स्टेट। अब उसने देखें कितना सख्त जालिम बिहेवियर दिखाया है कि अब आप इंसान के साथ इसको देखें कि कोई इंसान जब उसे भूख लगे तो दूसरे इंसान को खा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपना पेट पालने के लिए इंसान दूसरे इंसान को किसी हद तक नुकसान पहुंचाते वक्त नहीं सोचता कि किसी का नुकसान होगा, या अगर मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरे इंसान के बच्चों का रिस्क जो है वो ख़राब कर रहा हूं, या कुछ लोग जो अपने यतीम बच्चों को का सहारा होते हैं वो उनकी जायदादों को किस तरह हड़प कर जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो क्या ये चीज़ जो है ये अच्छी बात है? ये तो जानवरों जैसा ही सलूक है ना। तो वो यहाँ यही कह रहा है कि वो जो पाइक है वो यानी अपने जब भूख में होती है तो वो अपने जैसे दूसरी पाइक जो हैं उनको भी खा जाती है, उस पर भी गुरेज नहीं करती। तो आपने सिम्बॉलिकली देखना है इसको कि इसमें जो ह्यूज है वो किस टाइप को कैटेगराइज करना चाह रहा है, यानी उसका इशारा किस तरफ है, ठीक है। वो सिर्फ आपको एनिमल्स के बारे में नहीं बता रहा, वो एनिमल्स के थ्रू आपको बिटर रियलिटी दिखा रहा है इंसानियत की, नेचर की, कि इंसान की जो नेचर है वो कितनी घटिया है। यानी जो अच्छे लोग हैं वो तो हैं अच्छे, जो बुरे हैं वो बिल्कुल बुरे हैं, जो दोनों का ब्लेंड है वो ज़्यादा बुरे हैं, जो यानी ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वो अपना यानी कोई भी गलत काम करने से पीछे भी नहीं हटते, वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा जी, इन दिस पोएम द फेरोसिटी ऑफ द पाइक डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज गिव्स राइज टू द फीलिंग ऑफ टेरर एंड अव। अब वो कह रहा है कि यानी बेशक ये जो क्रिएचर है ये इतनी बड़ी नहीं है, ये यानी मामूली सी है, साइज़ भी इसका कोई इतना बड़ा नहीं है, स्मॉल साइज़ है, लेकिन इसके बावजूद ये हम लोगों के अंदर एक खौफ की और एक टेरर की जो है वो ना हमारे अंदर दौड़ा देती है लहर, हम एकदम से अपनी बॉडी को हिचके वो यानी हम अपनी बॉडी को एकदम से थोड़ा सा हिलाते हैं और झटकते हैं अपने शोल्डर्स को कि किस तरह यानी हम लोगों को उसने एक पाइक के ज़रिए कैसी इंसान की घटिया खसलत जो है वो दिखाई है कि इंसान जो है दूसरों यानी एक इंसान दूसरों को खा जाता है अपनी सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अमीरी अपनी जो है बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ है जो हमारा द क्रो पोइम्स, ठीक है। Then there are the crow poems. The crow in these poems has been regarded by critics as a trickster through he is sometimes identified with Prometheus and other heroes. Prometheus कहते हैं जो यानी देवता जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया। देखें ये Christian mythologies हैं, ये उनके accordingly जो हैं वो पेश की गई हैं। तो आप लोगों को इसे जस्ट एज अ लिटरेचर जो है वो देखना है और उसके ऊपर बात करनी है। अब वो यहाँ क्रो की पोइम से हम लोगों को बता रहा है कि वो बड़े चाल चलने वाले क्रोज होते हैं, ठीक है। उसने उसको आइडेंटिफाई किया है कैसे, देवताओं से और हीरोज से।
In course of time, the crow seems to be approaching merely to the human status, though it does not really become a human being that but remains a crow. वो कह रहा है कि ये यानी जो crow है obviously ये कोई human being तो नहीं है, लेकिन उसको ऐसे यानी आपके सामने पेश कर रहा है, असल में वो आपको अब वो ह्यूमन बींग्स की जो खसलतें हैं ना, जो उनकी चलाकियाँ, उसको उनकी मकारी को उसने पोर्ट्रे करने के लिए क्रो का सहारा लिया है. हियर इन दीज पॉइंट्स अ क्रिटिक टेल्स दैट ह्यूज अंडरमाइंस द क्रिश्चियन बिलीव्स एंड फील्स अ चार्ल्स नोटी डिलाइट इन डूइंग सो. अब कुछ मेथोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जी कौवा आता है जो घर के छत पर आकर जब वो बोलता है तो लाजमी कोई मेहमान आएगा, इस तरह की जो मिथ्स हैं वो क्रिएट की जाती हैं और हर इलाके में हर मुल्क में उसके यानी उन्हीं मिथ्स को जो है फॉलो किया जाता है और कहा जाता है कि जी ऐसा होगा तो ऐसा होगा. अब वो कह रहा है कि ऐसे यानी उसने क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंगली बताया है कि यानी ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा जो है वो नॉटी डिलाइट इन डूइंग सो, उसको यानी कोई शरारत के साथ उसने कोई एक बच्चे की नॉटी फीलिंग्स जो हैं उसको हमारे सामने पेश किया है. ह्यूज मेक्स अ sacrilegious use of ancient myths in the writing of the poems under the heading of the crow. However, the crow poems are not really animal poem taken together or separately. There are a satire on God's creation of this universe and of mankind. The poet is really mocking of God's universe and of mankind. The crow is serving to the poet merely as a medium of that mockery. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि उसने जो पुरानी जो एंशियंट मिथ्स है ना उनको उनके अकॉर्डिंगली बात की है इस पोएम में, ठीक है. आपको सिर्फ इसको आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि सिर्फ चार टेड ह्यूज की पोएम्स हैं जिनको आपको यानी जिनके इर्द गिर्द आपको अपने क्वेश्चन को लेकर चलना है, लेकिन क्योंकि ये एनिमल इमेजरी का क्वेश्चन है तो आपको ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो ज़्यादा आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेन आइडिया जो अपने जहन में रखना है. क्रोज के साथ उसने सिमिलेट किया चलाक लोगों को, उसने बताया है कुछ पुरानी जो मिथ्स हैं उनके हवाले देकर उसने उसको इन्हांस करने की कोशिश की, और वो फिर उसने क्रो के ज़रिए सटायर किया है गॉड्स की क्रिएशन पे और यूनिवर्स पे और मैनकाइंड पे, ठीक है, कि किस तरह जो है इंसान चलाकियां करके दूसरों को यानी उसने मॉक किया है, मजाक उड़ाया है उन लोगों का जो कि क्रो जैसी चलाकी इस्तेमाल करते हुए अपने मतलब जो हैं वो निकालते हैं. अच्छा जी, आगे आ जाता है द जैगवार एंड सेकंड ग्लांस एट द जैगवार. ये बोथ आर पोइम्स और आर फेमस पोइम्स. इन द फर्स्ट पोइम द जैगवार इज डिपेक्टेड एज अ फ्यूर्स बीस्ट हु रिमेन्स एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड बाय हिज इम्प्रिजॉनमेंट. अब जो है ना वो इसमें वो जैगवार का जिक्र कर रहा है जो कि बिल्कुल एक शदीद बुरा बीस्ट की तरह दिखाया गया है और बिल्कुल अपनी जो है ना गुलामी से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है. देर इज़ अ काइंड ऑफ फायर इन हिज आइज, देर इज़ अ बैंग ऑफ ब्लड इन हिज ब्रेन. अब जिस तरह वो है ना द टाइगर है विलियम ब्लेक की, उसमें वो किस तरह यानी हमें दिखाता डिस्क्रिप्शन देता है एक टाइगर का, तो इसी तरह असल में वो किसका डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, असल में वो सैटर्न का दे रहा होता है डिस्क्रिप्शन. इसी तरह जो है ह्यूज ने यूज़ किया है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ फायर इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक अजीब सी आग की तरह की उसकी आंखें हैं. देर इज़ अ बैंग बैंग, द बिग बैंग थ्योरी का आपको पता है ना, बैंग होता है धमाका, ज़ोरदार आवाज़ ऑफ ब्लड इन हिज ब्रेन, और उसकी ऐसे लग रहा है जो उसके यानी हर टाइम जो है खून खवार उसके यानी उस खून जो है उसके दिमाग में उतरा रहता है. एंड हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, और वो कदम बढ़ा रहा है अपनी आज़ादी की तरफ के, यानी उसको जो ही मौका मिलेगा वो चीर फाड़ के निकल जाएगा अपनी अपनी कैद से. इन द सेकेंड पॉइंट द जैगवार हैज़ लॉस्ट नन ऑफ हिज फ्यूरसनेस और वाइल्ड एनर्जी और फियर्सनेस द फर्स्ट वन वॉज फियर्सनेस विच मीन्स यानी बहुत ज़्यादा ज़्यादा शदीद किस्म का, और वाइल्ड एनर्जी और फियरलेसनेस का मतलब यानी बेडर बेखौफ. हिज बॉडी इज जस्ट द इंजन शोइंग द हार्ड फॉरवर्ड, ही कॉल्स एंड फ्लॉरिशेज हिज ब्लैक जैक टेल एज इफ लुकिंग फॉर अ टारगेट. यानी उसने कितना खूबसूरत देखें यानी इमेजरी दिखाई है कि वो जो है अपनी ब्लैक टेल को मूव कर रहा है और वो फुल गुस्से में और तैयार है, उसकी जो है बिल्कुल कमी नहीं आई किसी चीज़ में, किसी उसको बिल्कुल बेखौफ है, बेडर है और बिल्कुल तैयार है अपना जो है ज़रा सा मौका उसको मिले और वो चीर फाड़ के निकल जाए आगे, और अपना टारगेट जो है वो उसकी तरफ उसका वो इंक्लाइंड है.
इंडीड द टू पोइम्स प्रोड्यूस अ फ्राइटनिंग इफेक्ट, दोनों जो हैं हमें बड़ा खौफनाक एक इफेक्ट दे रही हैं. द जैगवार इज बोथ द पोइम सिंबलाइजेस नेचर इन ऑल इट्स वाइल्डनेस, इट्स फरी, इट्स डिस्ट्रक्टिवनेस एंड ऑल्सो इट्स स्प्लंजर. यानी उस स्प्लंजर का मतलब होता है शानो शौकत, वो अपनी उस डिस्ट्रक्टिव अपनी तबाही में वो सिंबलाइज किस चीज़ को कर रहा है, तबाही को, अपने वाइल्डनेस को, यानी जो सख्ती है उसकी और जो उसका जुल्म है और जो उसकी में करख्तगी है और जो तबाही का एलिमेंट है जो उसकी शानो शौकत है, यानी वो किसी से बेखौफ बेडर जो है आगे बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है. अच्छा जी, आगे आ जाता है थ्रशेस. थ्रशेस जो है ना, ये जो हैं बर्ड्स हैं लाइक स्पैरोज, क्योंकि काफ़ी जो बर्ड्स हैं उसी की तरह के दिखते हैं, लेकिन किसी में जो हैं खूबसूरत उनके कलर्स होते हैं, बीक जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. इसी तरह जो है थ्रशेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत जो हैं वो बर्ड्स हैं. एज अनदर पोइम ऑफ द सेम काइंड, ह्यूज डिपिक्स द थ्रशेस ऑन द लॉन एज टेरिफाइंग क्रिएचर्स. अब देखें, उसने बर्ड्स को भी एज अ टेरिफाइंग क्रिएचर्स दिखा दिया. कैसे वो हम देखते हैं, दिस बर्ड इज़ डिपिक्टेड एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ बोनस एंड स्टैब. यानी एम्बॉडीमेंट कहते हैं उसको, उस किसी चीज़ को मुजस्मे की तरह यानी बना के आपके सामने पेश करना. डिपिक्ट करता है किस चीज़ को, वार के, यानी आपको तो थोड़ा सा वो जो है कि यानी उनके अंदर भी उसने ये एलिमेंट देखा है कि वो भी जो है ना थोड़ी सी मतलबी और किसी के ऊपर वार करने वाला है विदाउट एनी इंडोलेंट प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बेचैन है जो कि, और वो टाल मटोल करने वाली या ताखीर करना किसी चीज़ में, ठीक है, उस चीज़ से वो यानी बग़ैर किसी टालमटोल के, बग़ैर किसी बेचैनी के जो है वो वार कर देती हैं और नहीं सोचती. और थ्रशेस जो हैं, देयर सीम्स टू बी एन ऑटोमेटिक पर्पस बिहाइंड इट्स स्विफ्ट मूवमेंट विच रिमाइंड द पॉइंट ऑफ अ बुलेट एंड द शार्क्स माउथ. यानी उनकी जो तेज़ी है और बग़ैर किसी सोचे समझे उनका जो वार करना है वो किस चीज़ की याद दिलाता है पॉइंट को, वो एक बुलेट की याद दिलाता है जो कि यानी गन से निकल जाता है. जब इंसान के ऊपर खून उसके दिमाग पर चढ़ा होता है वो नहीं देखता कि उसके एक बुलेट से किसी की जान जाने वाली है. और उसको किस चीज़ की याद दिलाता है, शार्क्स माउथ, जो कि बिल्कुल नहीं सोचता कि उसके माउथ में जाने से कोई चीर फाड़ कर वो अपना तो भला कर लेगी शार्क, लेकिन उससे किसी की जान चली जाएगी, ठीक है. ह्यूज इज हेयर ट्राइंग टू इम्प्रेस द अनकाउंटेबल एनर्जीज ऑफ नेचर. मैन एट दिस मोमेंट वुड श्योरली अपीयर टू बी अ फनी क्रिएचर बाय द साइड ऑफ दीज एनर्जीज. अब वो कह रहा है कि जो इंसान है ना वो बेचारा बड़ा ही, यानी उसके अंदर कोई ताकत नहीं है नेचर से लड़ने की. अब वो बेचारा लाग़िर है इन सब चीज़ों के आगे, इन सब चीज़ों के आगे वो नील डाउन कर देता है. वो बेचारा झुका हुआ है, उसके वो पपेट है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि यानी वो इन सब चीज़ों से जान छुड़ा सके. ही इज़ मेरली अ पपेट. और आगे हम देखते हैं बट द हॉर्स. अब साथ ही देखें वो हॉर्स का हम लोगों को हवाला देते रहता है. एक जगह एक दफ़ा सख्ती बताता है, दूसरी दफ़ा नरमी बताता है, लेकिन नरमी उसने कम ही बताई है जहाँ तक मैंने देखा है. बट द हॉर्स इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम. नो वाइल्ड फ्योर्स इज डिपिक्टेड इन द पोएम. देयर इज स्टिलनेस ऑल अराउंड. द पोएट सीज 10 हॉर्सेज लुकिंग ह्यूज बट एब्सोल्युटली स्टिल एंड मोशनलेस. अब जो हॉर्स है उसमें वो कह रहा है कि बिल्कुल उसने उसके अंदर किसी भी तरह की तेज़ी नहीं दिखाई, शार्पनेस नहीं दिखाई. 10 घोड़े जो हैं वो एक जगह पे खड़े हैं जो कि स्टिल हैं, मोशनलेस हैं और बड़े यानी एलिगेंट वे में खड़े हैं. दे ब्रीथ्ड मेकिंग नो मूव. वो सांस भी लेते हैं तो कोई मूव नहीं करते. विद ड्रैप मींस एंड टाइटल हाइंड हूव्स मेकिंग नो साउंड द पोएट देन सॉरी ये 3 लाइनें हैं, ठीक है. यानी वो मूव भी करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, वो साइलेंट बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ तक कि उनकी सांस की भी आवाज़ नहीं आ रही और बिल्कुल यानी जो हैं स्टन खड़े हैं. और द पोइट देन कंट्रास्ट द स्टिलनेस एंड द साइलेंस ऑफ दिस हॉर्स विदाउट नो वॉइस ऑफ द क्राउडेड स्ट्रीट्स. अब वो कह रहा है कि यहाँ तक के यानी जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर भी, यहाँ उसने पता है किन लोगों का जिक्र किया, जो बेचारे अपनी गम और परेशानी में भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते. हमारे इस्लाम में कहा जाता है ना कि उन लोगों की मदद करो जो कि जो बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग हैं, जो अपना गम और तकलीफ़ किसी के साथ शेयर नहीं करते और अपने पेट पर पत्थर बांध के जो है वो भूख वाला टाइम होता है उसको गुजारते हैं, ठीक है. यहाँ उन लोगों पर, उन इनोसेंट जो हैं पीपल, उनके बारे में बात की जा रही है.
और जो कि यानी नॉइस जो क्राउडेड स्ट्रीट्स में रहने के बावजूद बेचारे भूखे रह जाते हैं, जिनको लोग जिनके इर्द गिर्द अच्छे भले खा पी रहे होते हैं उनके नेबर्स, लेकिन वो बेचारे जो होते हैं उन वो उन सब चीज़ों से दूर होते हैं। हेयर इट इज़ अ जेंटल क्वालिटी ऑफ अ न्यून नॉन ह्यूमन एनिमल्स वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रॉट इनटू अ फोकस On the one hand, Hughes has described the furiousness and wildness of the jaguar and the hawk, and on the other hand, he has described the patience and the silence of the horses. ठीक है, compare and contrast में उसने बात की है। एक जगह उसने jaguar को और hawk को बताया है जो कि आपको बहुत ही in a wild manner उसने describe किया है। On the other hand, he has described the horses in a very mild manner. ठीक है, और ह्यूज एनिमल्स पोइम्स हमारी ये थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, लेकिन रियली इट्स अ वर्थी क्वेश्चन, इट विल गिव मैक्सिमम मार्क्स, एंड इंशाल्लाह इफ़ यू विल फॉलो दिस क्वेश्चन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम, बस ये ख़त्म होने जा रहा है। ह्यूज एनिमल पोइम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मॉडर्न बेस्ट्यूरी, यानी कुछ ह्यूज की जो पोइट्री ना, बेस्ट्यूरी का मतलब था हैवानी किस्से, यानी जो एनिमल से रिलेटेड जो कुछ उसने आपको डिस्क्राइब किया है, जो बातें बताई हैं। सम पीपल थिंक दैट ह्यूज पर्पज इन राइटिंग दीज एनिमल्स पोइम्स इज़ टू रेडिक्यूल एंड मोक एट ऑल द स्ट्रगल एंड स्ट्राइव विच आर गोइंग ऑन द ह्यूमन वर्ल्ड। अच्छा, इससे एक ये इतनी सी लाइन से मुझे याद आया, एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी रेज करती है, द पर्पसफुल मूवमेंट इन द टेड ह्यूज पोइट्री। ठीक है, पर्पसफुल मूवमेंट का क्या है, उसके पर्पसफुल मूवमेंट में आप लोगों को बताना है कि टेड ह्यूज किस तरह आपको एसिमिलेट करता है दो चीज़ों को, एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है, वो आपको एनिमल्स के थ्रू सिम्बॉलिकली मीनिंग में आपको बताता है, ह्यूमन को कैटेगराइज करता है, आपको ह्यूमन की यानी ईविल और जो गुड नेचर है उसको दोनों को सामने लाता है, वो एनिमल्स को यानी एनिमल्स को वो क्यों दिखाता है, एनिमल्स को वो इसलिए दिखाता है क्योंकि उसको नेचर को भी कंडेम करना है। कई दफ़ा वो नेचर को एडमायर करता है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स और ऑटर। ठीक है, ऑटर में भी वो आपका कुछ तो ब्लेंड है ना, ऑटर में तो वो आपको ऐसे इंसान को बताता है जो हैं तो बड़े मासूम अच्छे, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो मछली को खा जाता है अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, और इसमें यानी जब पर्पसफुल मूवमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बताना है कि जो वो असल में एक सबक दे रहा है। ठीक है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है हम लोगों को रूनुमा करवाना, हम लोगों को बताना कि किस तरह जो है इंसान बुराई की तरफ इंक्लाइंड होता है, किस तरह इंसान अच्छाई की तरफ इंक्लाइंड होता है। अब यहाँ वो कह रहा है ना, सम पीपल थिंक दैट ह्यूज पर्पस इन राइटिंग दीज एनिमल्स पोएम इज़ टू रेडिक्यूल एंड मोक एट द स्ट्रगल एंड स्ट्राइव विच आर गोइंग ऑन द इन द ह्यूमन वर्ल्ड। अब यहाँ वो हमें बता रहे कि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि शायद वो इसीलिए मजाक उड़ाता है, उनका मोक करता है, उनको रेडिक्यूल करता है, ताकि यानी एनिमल इमेजरीज को यूज़ करते हुए ताकि वो बता सके कि ह्यूमन जो वर्ल्ड है वो कितनी ब्रूटल हो चुकी है। बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो तशरीह की गई है, ये जो बात क्रिटिक्स ने बताई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूज का जो इंटरेस्ट है वो ब्लेंड है दोनों चीज़ों की तरफ। ह्यूज इन इंटरेस्टेड in animals as creatures deserving man's attention because of their own inherent qualities or flaws. अब वो कह रहा है कि ह्यूज जो है ना, उसका इंटरेस्ट है एनिमल्स की तरफ, लेकिन वो मेंस के एटीट्यूड के साथ उसको जोड़कर उनकी उनकी जो नाकामियां हैं और उनकी ऐसी क्वालिटीज़ जो उनको इनहेरिटेडली मिलती हैं, यानी जिनके माँ बाप बुरे थे, उन्होंने बच्चों की तरबियत की तो वो भी बुरे हो गए, और उनके फ्लॉज जो हैं उनको हमारे सामने पेश करता है। द एनिमल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, एनिमल्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, ये खुदा की जो क्रिएशन है जिसने जो उसने बनाई है, उसके डिफरेंट पहलू हमारे सामने लेकर आते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ खूनख्वार हैं तो कुछ बड़े ही फ्रेंडली हैं। ठीक है, और हर किस्म की जो यानी हर एक की आइडेंटिटी जो है वो हमारे सामने लेकर आता है, और इसकी जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, उसका डिस्ट्रक्टिव जो कैरेक्टर है वो भी हमारे सामने लेकर आता है, और डिफरेंट डिस्टिंक्टिव कहते हैं हम डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर जो हैं उनके हमारे सामने पोर्ट्रे करता है। एट द सेम टाइम ह्यूज़ indirectly and symbolically depicts the contrast and sometimes the similarity between animals and mankind. और यानी जो उनके अंदर एक चीज़ें मिलती हैं, कुछ खूनख्वार जानवर हैं तो कुछ खूनख्वार इंसान भी हैं जो कि दूसरों को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, और जो कुछ अच्छे हैं जो माइल्ड हैं जिस तरह हॉर्सेस हैं, तो इसी तरह कुछ बड़े ही मासूम और इनोसेंट लोग हैं जो बेचारे अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं दूसरों के लिए।
एंड करते हैं जी ऑन द होल, आप कह लो इन द नेचुरल या टू कंक्लूड टू सम अप, और हिज एनिमल पोएम्स आर फॉर्मेडेबल awful, spectacular and fascinating array of Cole's creation in a universe which is mysterious and inscrutable. अब वो कह रहा है कि जो पोइम्स हैं उसकी बड़ी मजबूत हैं और बड़ी बेखौफ हैं, खौफनाक हैं, शानदार हैं, spectacular शानदार हैं, fascinating आपको एडमायर करने वाली हैं, different यानी सिफाराई करती हैं array of God's creatures, जितनी भी खुदा की बनाई हुई तख्लीकात हैं उनके बारे में बहसो मुबाहिसा करती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बेखौफ होकर जो कि दुनिया में पाई जाती हैं, विच इज़ मिस्टीरियस एंड इनस्क्रुटेबल, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी हैं और पुष्पुर इसरार हैं। इनके जो पॉइंट्स हैं वो देख लें, इंट्रोडक्शन आपको यानी ये याद रहेगा कि उसने कंपैरिजन दिया विद डीएच लॉरेंस, क्योंकि वो डीएच लॉरेंस भी थे, वो भी एनिमल लवर थे, लेकिन जो रेड ह्यूज थे वो उनकी जो थी पोएट्री वो डिस्टिंग्विश थी मोर देन डीएच लॉरेंस, और सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस उसने दिया कि एनिमल्स को जो है सिम्बॉलिक वे में लेकर आते हैं, उसके हमें बताते हैं कि जो सिम्बॉलिक वे में हाईली इल्यूमिनेटिंग है और सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंट है उनकी पोइट्री में, और उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम अदर राइटर्स। ही यूजेस एनिमल इमेजरी टू प्रोवोक द मैनकाइंड, टू प्रोवोक द टू इंस्टिगेट द इनर फीलिंग ऑफ द मैन, दैट हाउ मैन कुड बी, हाउ मैन कैन ब्रूटल और हाउ मैन कैन बी सो पोलाइट अकॉर्डिंग टू द नेचर और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, और फिर आती है जी ह्यूज अप्रोच इन डिफरेंट फ्रॉम टेनिसन। टेनिसन क्योंकि जो था वो नेचर के ख़िलाफ़ था, एंग्विश फील करता था, जबकि जो लॉरेंस था वो एडमायर था, तो जो ह्यूज हैं दोनों का ब्लेंड है। फिर द ऑटर, द बुल मोसेस, द पाइक, द क्रो पोइम्स, द टू जैगवार पोइम्स, द थ्रशेस, द हॉर्सेस, और इन्होंने एक मिस कर दी जो कि थी हॉक क्रॉस्टिंग, ठीक है, और मॉडर्न बेस्टरी और कंक्लूरियन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दिस जो वेरी वेल, और इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी, और टेड ह्यूज के बारे में एक छोटी सी वीडियो अलहदा से बना दूँगी जिसके अंदर इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी ताकि आप लोगों को उसको समझने में भी आसानी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।